बीजेपी सांसद सनी देओल लापता, गुमशुदा सनी देओल के लगे पोस्टर, लोग बोले एक भी काम नहीं किया। पंजाब के पठानकोट में बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्टर सनी देओल के लापता होने के पोस्टर चिपकाए गए हैं। सांसद के लापता होने के ये पोस्टर शहर में कई घरों की दीवारों, रेलवे स्टेशनों और वाहनों पर चिपकाए गए हैं। सनी देओल गुरदासपुर की लोकसभा सीट से सांसद हैं। 2019 में हुए आम चुनाव में वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। पोस्टर चिपका करने वालों का कहना है कि सांसद बनने के बाद सनी देओल कभी भी गुरदासपुर नहीं आए। अज असी गुमशुदगी दे सनी देओल दे पोस्टर इस करके लगा रहे हैं कि ये जिहड़े साडे सांसद ने सानू अज तक कदी पठानकोट दे विच घूमदे फिरदे किते नहीं दिसे, ते फिर असी जनता किहदे कोल जाइए जे सानू कोई केंद्र सरकार दे नाल काम पै जाए ते साडा वाली वार सुकून है। काम नू भी छड्डो, जदों साडे ते त्रासदी आंदी है साडा MH होस्पिटल दे नाल सड़क बह गई पंजाब ते हिमाचल दा जिहड़ा कि संपर्क टुट गया, तां वी साढ़े सांसद जी ने साड़ी कोई सुध बुध नहीं ली। फिर साढ़े रेलवे का पुल बह गया, कोई सुध बुध नहीं ली। वो यार तुसीं जे सुध बुध नहीं लैनी कि अपनी माड़ी जी बुद्धि घुमा के एक अस्तीफा ही दे छड्डो कि सुध बुध लैन वाले होर बथेरे ने। तो तुसीं फिल्मां च ते गदर फिल्म दे शूटिंग च कदी पालमपुर घूम लिया, कदी डलहौजी घूम लिया, ते सर जनाब तुहानूं साढ़े पठानकोट की याद नहीं आई। गदर 2 ते ताड़ी बन गई है पर MP दूसरी बार तुसी नहीं जे बन सकते जिदा दियां ताड़ियां करतूतां ने। आपको बता दें सनी देओल ने साल 2019 में बीजेपी की टिकट पर गुरदासपुर से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। उन्होंने तत्कालीन कांग्रेसी नेता सुनील जाखड़ को हराया था, लेकिन सनी देओल के लंबे समय से अपने संसदीय क्षेत्र से दूरी बनाने की चर्चाएं गर्मा रही हैं। वहीं चुनाव में उनके प्रतिद्वंद्वी सुनील जाखड़ भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बता दें सनी देओल के लंबे समय से संसदीय क्षेत्र से दूरी पर लोगों का कहना है कि वो केवल डायलॉग में ही खुद को पंजाब का बेटा कहते हैं, लेकिन उन्होंने पंजाब की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। लोगों ने कहा कि सनी ने ना तो कोई औद्योगिक विकास का कार्य किया और ना ही MP लैंड फंड का उचित इस्तेमाल किया। यदि सनी की संसदीय क्षेत्र के लिए काम करने की इच्छा नहीं है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अज साड़ी सारी टीम वालों साढ़े MP सनी देओल जी के गुमशुदगी के पोस्टर जड़े आ रेलवे स्टेशन पर लाए गए आता जो इतों कई जी लोगों की आवाजाई रही है, कई जड़े कई बॉम्बे तो भी लोग आते हैं उतों तक उन्होंने तक सुनिया ही साढ़ा पहुँचा देना कि जदों के MP बन के गए ने उस तो बाद उन्होंने इधर कभी सनी देओल जी ने मूँह मोड़िया ही नहीं। चाहे किसानी अंदोलन लै लो या कई जड़िया वड्डिया हैजीटेशन पंजाब के लोगों ना जड़िया वापरिया सेंटर ने जड़िया गलत नीतियां जड़िया थोपिया पंजाब के लोगों से, सनी देओल जी ने पंजाब का पुत्र होने के नाते अपने आप को पंजाब का पुत कहाउंदे ने, पर पंजाब के लोगों की और खास करके जिला गुरदासपुर पठानकोट के लोगों की पिठ से छूरा खोपिया। साढ़े जड़ा उन्हों का लोकसभा हलका उत्थे कोई MP लैंड फंड नहीं उन्होंने लगाया, ना ही कोई इंडस्ट्री लैके आए, ना ही कोई सेंटर वालों कोई जड़िया स्कीम आ वो लैके आ सके आ। तो असी सनी देओल जी को कहना चाहते कि जे नहीं ताड़ा काम करन दा मूड हैगा तो नहीं काम कर सकते, लोकसभा च भी उन्हां दी जिहड़ी गैर हाजिरी है वो सब तो ज़्यादा, तो अस्तीफा दो तो किसी चंगे बंदे नूं काम करन। आपको बता दें हाल ही में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव में भी सनी देओल ने वोट नहीं डाला था। बताया जा रहा था कि वो इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं। सनी देओल धर्मेंद्र के बेटे हैं, उन्होंने फिल्मों में काफ़ी अभिनय किया है। 2019 चुनाव में पहले वो बीजेपी में शामिल हुए थे और पार्टी ने उन्हें गुरदासपुर से उम्मीदवार बनाया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।